अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ चॉकलेट फज फ्रॉस्टिंग। यहाँ सॉस पैन में मेरे पास है मक्खन, इसमें ऐड कर रही हूँ वनीला, कोको पाउडर, दूध और कैस्टर शुगर। अब हम इसको चूल्हे पर पका लेंगे दरमियानी से हल्की आंच पर, यहाँ तक कि मक्खन मेल्ट हो जाए और सब इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये स्टेप आपने चूल्हे पर ही करना है, माइक्रोवेव में नहीं करना। माइक्रोवेव में अच्छी तरह से नहीं होगा, ये मुस्तकिल मिक्स करते रहना है ताकि शक्कर जो है वो जल ना जाए। अब मैं इसको चूल्हे से हटा रही हूँ और इसमें मैं अब ऐड करूँगी चॉकलेट। चॉकलेट जो है वो आपने डार्क चॉकलेट ही यूज़ करनी है और चॉप्ड करके ऐड करेगा, मिल्क चॉकलेट से वो बात नहीं आएगी फज फ्रॉस्टिंग में। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यहाँ तक कि चॉकलेट जो है वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाए और बाकी इन्ग्रीडियंट्स में कम्बाइन हो जाए। देखिए कितनी अच्छी सी हो गई मिक्स। अब मैं इसको बोल में निकाल रही हूँ। बोल में निकाल के हमने इसे रूम टेम्परेचर पे रखना है कम से कम 2 घंटे के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 6 से 8 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। मैं नॉर्मली इसको रात में बना के रख देती हूँ और फिर सुबह उठकर व्हिप करती हूँ। देखिए कितनी अच्छी सी ये थिक हो गई है। अब हम इसको व्हिप करेंगे। बिल्कुल हल्की स्पीड पर आपने इसको बीट करना है, हाई स्पीड नहीं यूज़ करनी। और जब हम इसको व्हिप करेंगे ना तो इसका कलर जो है वो हल्का होता चला जाएगा। तकरीबन 5 मिनट इसको आपने बीट करना है। जब भी इस तरह से गाढ़ी हो जाए तो इसमें आधा कप आइसिंग शुगर जो है वो ऐड करेंगे और फिर दोबारा से बीट करेंगे। अगर बीट करने के बाद भी फज फ्रॉस्टिंग थिक नहीं हो रही होगी तो आप इसको बोल को फ्रिज में रख दीजिएगा 15 मिनट के लिए और फिर दोबारा उसको बीट करेगा। गर्मियों में ही थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छी तरह से स्पैचुला से साइड से बोल को साफ़ कर लीजिए। और बस थोड़ा सा अब हम और बीट करेंगे और बस बन गई हमारी फज फ्रॉस्टिंग। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।